नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक से याद करूंगा कि आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। हम सबको पता है कि हमारे इम्यूनिटी पावर के लिए विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत काम करते हैं। विटामिन प्रोटीन का होना हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन जो कि ए बी सी डी ई के है, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इनके इनके रसायन नाम क्या क्या है और इनकी कमी से होने वाले मानव शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनकी पूर्ति हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ या प्रकृति के द्वारा दे जो है वो स्रोत से कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारी पहली स्लाइड की तरफ। विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, विटामिन की कमी कौन सी, यदि ए की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, बी सी डी ई के। तो ए की यदि कमी होती है तो हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है इसकी, रब सारे वर, यानी भगवान सारे मेरे दूल्हे हैं। दूल्हे को वर बोलते हैं और भगवान को रब बोलते हैं, तो सभी भगवान मेरे दूल्हे हैं क्योंकि मैं भगवान का कौन हूँ, एक संत। तो उस तरह से याद हो जाएगा कि रब सारे वर। तो देखिएगा कैसे याद होगा, रे बै सा रे व रे। रे रेफर करेगा रतुंडी को, वह करेगा बेरी बेरी को, स करेगा स्कर्वी को, रे करेगा रिकेट्स को, वह करेगा बांझपन या एनीमिया को, और रे करेगा रक्त का थक्का ना बनना या हीमोफीलिया को। तो हम ये कह सकते हैं विटामिन ए की कमी से रतुंडी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन या एनीमिया रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना या हीमोफीलिया रोग होता है। तो ये रब सारे वर्ड से बिल्कुल याद हो जाएगा कि भगवान सब के सब मेरे दूल्हे हैं। तो रब सारे वर ए बी सी डी ई के। अब चलते हैं कि यदि विटामिन ए की कमी यदि होती है तो व्यक्ति को किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। उनको चुकंदर खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए, पनीर खानी चाहिए, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल। यदि वो इन पदार्थों को खाता है या इन वस्तुओं को खाता है या इन सब्जियों को खाता है तो उनसे उनकी विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और उसका उपाय जो है वो है मछली मांस अंडा। यदि वो मांसाहारी है तो मछली मांस अंडे का सेवन करेगा, और वो शाकाहारी है तो वो सब्जियां आलू गाजर और मूली का सेवन करेगा, जिससे विटामिन बी की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और हम जानते हैं कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में प्राप्त होता है। तो यदि वो आंवला नींबू नारंगी बेर कटहल अंगूर पुदीना और टमाटर का सेवन करेगा तो उससे विटामिन जो है वो सी की कमी पूर्ति हो जाएगी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और इसका नेचुरल उपाय है सूर्य की किरणें, यानी उसको धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठने से ये नेचुरल सोर्स मिल जाता है हमें विटामिन डी के लिए, और उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। विटामिन ई की कमी से बांझपन या एनीमिया नाम का रोग होता है, और उसके उपाय जो है वो है अंडा या सूखे मेवे, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, इनका वह सेवन करेगा, या सूरजमुखी के बीज हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, इनका सेवन करेगा। विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना या हीमोफीलिया नाम के रोग होते हैं, और उनकी उपाय जो होते हैं वो होते हैं टमाटर या हरी सब्जियां। दोस्तों, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको शॉर्ट ट्रिक से पसंद आए होंगे, रब सारे वर। चलते हैं, इन विटामिन को रासायनिक नाम से किस नाम से जाना जाता है, यानी इनका केमिकल नेम क्या है। हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई के लिखा, और इस बार जो हमने ट्रिक लिए वो लिए रथ एक टॉफी, यानी रथ यानी घोड़ों से जुता हुआ जो रथ, और रथ में एक क्या मिली, टॉफी, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए हैं, और अर्जुन ने कहा कि हे माधवन मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने एक टॉफी निकाल कर जो है वो अर्जुन को दे दी। तो रथ एक टॉफी से ये याद हो जाएगा कि ए जो होगा उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, रेटिनॉल में क्योंकि रे आ रहा है तो हमने इसको रे से रे कर दिया। विटामिन बी का जो शब्द है केमिकल नेम वो है थायमिन, और वो जो शुरू हो रहा है वो थे से स्टार्ट हो रहा है, थे किसको रेफर करेगा, थायमिन को। विटामिन सी
ए शब्द से स्टार्ट हो रहा है, एसोकार्बिक एसिड, जैसा कि हम जानते हैं तो एसोकार्बिक एसिड्स विटामिन सी का नाम है, तो उसको हमने किससे रेफर कर दिया, ए से। विटामिन डी जो कि कैल्सीफेरोल कहलाता है, कैल्सीफेरोल कहलाता है, तो हमने इसको कैसे रेफर कर दिया। और विटामिन ई जो कि टोकोफेरोल कहलाता है, उसको हमने टा से रेफर कर दिया। और विटामिन के को जिसका कि केमिकल नेम फिलिकोवनान है, उसको हमने फी से कर दिया। तो इससे प्रत्येक टॉफी से आपको इनके केमिकल नेम विटामिन के याद हो जाते हैं। प्रत्येक टॉफी से तो केमिकल नेम याद होते हैं, और रब सारे वर्ड से विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है वो याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन विटामिन में से कौन कौन से विटामिन पानी में घुल जाते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक हमने इसकी एक बनाई है कि रतेक टॉफी से तो याद हो जाते केमिकल नेम, और एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, ए डी के वसा में घोलो तथा बी और सी किस में घोलो, पानी में। यानी विटामिन बी सी तो पानी में घुलनशील है और ए डी के वो वसा में घुलनशील है। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं, तो इस तरह से आपको ये विटामिन याद हुए होंगे। चलते हैं आगे। विटामिन बी के भी सब टाइप से, हमने कल विटामिन बी का एक ही टाइप पढ़ा था, अब विटामिन बी के जो विभिन्न प्रकार है उनको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 है। हालांकि नॉर्मल विटामिन में है बी में B1 और B12 जो है वो इनबिल्ड रहता है, लेकिन फिर भी हम इसके सब टाइप में B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12, इसको याद करने का तरीका होगा 1 से लेके 7, क्योंकि 7 हमारे वार होते हैं, मतलब एक बार में 7 दिन होते हैं, तो हमने 7 से इस तरह से याद किया, 7 डेज इन अ वीक। तो V7 डेज इन ए वीक, यानी हम 7 दिन तक काम करते हैं, तो 7 तो B7 तक हो जाएगा और फिर B12 आ जाएगा, तो इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं इनको कैसे याद करते हैं। हमने इसका एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक क्या है वो देखिएगा। हमने ट्रिक लिया है कि थोड़ा थोड़ा को हमने जो है वो थोड़ा लिखा है, यानी थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, यानी थोड़ा सा न्यू पैंट जो है वो करना है आपको, ऑयल पेंट जो करते हैं वो न्यू पेंट करना है, और पर बसा, इससे आपको इनके केमिकल नेम याद हो जाते हैं। जैसा कि विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, जो हम जानते हैं रतेक टॉफी में हमने थे पढ़ा था थायमिन, तो थे तो थायमिन को रेफर कर रहा है, तो वहाँ से आ जाएगा। और विटामिन B2 में रा रा से कहलाएगा रेबोफ्लोविन, तो रेबोफ्लोविन जो है वो विटामिन B2 को कहते हैं। और B3 जिसका कि हमने ट्रिक बना रखी न्यू, यानी थोड़ा न्यू, न्यू से बन जाएगा निकोटेनेमाइड या नियासिन, दोनों नाम से जानते हैं इसको, निकोटेनेमाइड भी जानते हैं और नियासिन भी जानते हैं। B5 जिसे कि हमने रेफर करा है पैंट से, और पैंट से बनेगा पैंटोथैमिक एसिड, यानी पैंटोथैमिक एसिड। और B6 जिसको हमने हमारी ट्रिक में पर से लिया है, इससे बनेगा पायरिडोक्सिन, पायरोक्सिन। और B7 जिसको हमने बैसे रेफर कर रहा है, इससे बनेगा बायोटीन, क्या बनेगा, बायोटीन। और B12 जिसको हमने सा से रेफर करा है, इससे बनेगा सेनोकोबलिन। तो इस तरह से आपको विटामिन बी के सब टाइप्स भी ट्रिक से याद हो गए। चलते हैं आगे। इसको हमने ये इस तरह से हमने एक चक्र बना लिया, और इस चक्र में हमारे सभी विटामिन आ गए, विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी के सब टाइप, जैसा कि आपको पता है B1, B2, B3, और उसके बाद B5, B6, B7, B9, B12, उसके बाद C, D, E और K, और ये इनके रासायनिक नाम हैं। यहाँ पे एक इमेज नज़र आ रहा है, ये इमेज है फादर ऑफ विटामिन थेरेपी का, जो कि है मिस्टर कैशिमियर फंक। यानी कई बार प्रश्न आता है द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन किसने करी 1912 में, तो 1912 में द डिस्कवरी ऑफ द विटामिन जिसने करी थी उन महान वैज्ञानिक का नाम था कैशिमियर फंक, तो हमें वैसे याद हो जाएगा। फंक हम करेंगे पंख, यानी पंखों से उड़ना है तो आपको विटामिन जो है उनके सोर्स खाने हैं पड़ेंगे, तब आपकी बॉडी क्या होगी, बिल्कुल बूस्टअप। तो बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, यानी पंखों में उड़ान के लिए आपको विटामिन यूज करने पड़ेंगे, और इसको हम एसोशिएट कर देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, यानी 1912। तो हमें याद हो जाएगा कैसिमियर फंक जो है वो डिस्कवरी ऑफ द विटामिन, यानी फादर ऑफ द विटामिन कहलाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि विटामिन के बारे में जो मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई, रब सारे वर, रत एक टॉफी, तो और इसके अलावा थोड़ा सा पैंट वसा, तो ये आपको याद हुई होगी। अगली बार ऐसी एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा, और आप लगातार बनी रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल
श्री करनी कॉमर्स क्लासेस पे। जय हिंद, जय भारत।